बुजुर्गों के बारे में तो हम आए दिन सुनते हैं, कुछ अभी भी इस धरती पर मौजूद हैं तो कुछ की कहानियां सुनने को मिलती है। वैज्ञानिक समय समय पर प्राचीन काल के कई रहस्यमय और विशालकाय जीवों के बारे में दावा करते रहते हैं और उनके जीवाश्म के पाए जाने का भी दावा करते रहते हैं। ऐसी ही एक विशालकाय समुद्री जीव मेगालोडॉन प्रजाति की शार्क मछली, जिसके होने के ठोस सबूत वैज्ञानिकों ने पेश किए हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि एक समय ये सबसे विशाल समुद्री जीव रही होगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा कई दावे ऐसे भी किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि ये विशालकाय शार्क मछली आज भी जीवित है। आइए आपको बताते हैं इस मेगालोडॉन प्रजाति की इस विशालकाय सबसे बड़ी शार्क मछली के बारे में। माना जाता है कि ये शार्क मछली आज से लगभग 26 लाख साल पहले पानी में रहने वाली सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी परभक्षी थी। इसकी लंबाई करीब 60 फीट हुआ करती थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विशाल दानव कितना खतरनाक रहा होगा। मेगालोडॉन प्रजाति की इस शार्क मछली पर कई बड़े चैनल्स ने अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई और खोज की, जिसमें दावा किया गया कि मेगालोडॉन प्रजाति की कई बड़ी शार्क आज भी मौजूद हैं। आज इस दैत्याकार मछली के बारे में सुनने पर विश्वास नहीं होता कि क्या वाकई इतनी बड़ी और खतरनाक मछली हो सकत है, लेकिन वैज्ञानिक इस शार्क के मिले जीवाश्म और अवशेषों के आधार पर दावा करते रहे हैं कि इस विशालकाय और खतरनाक मछली का 26 लाख साल पहले समुद्र पर राज हुआ करता था और इससे बचना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। इस शार्क का जबड़ा करीब 2 मीटर का होता था और इसके जबड़े में 7 इंच लंबाई वाले 270 नुकीले दांत हुआ करते थे, जिससे ये अपने शिकार को अपना निवाला बनाती थी। ऐसा नहीं है कि इस शार्क के आज भी जीवित होने का दावा सिर्फ वैज्ञानिक ही करते आए हैं, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे ये बातें सच लगने लगी कि शायद वाकई आज भी मेगालोडॉन प्रजाति की ये विशालकाय शार्क आज भी मौजूद है। 1918 में ऑस्ट्रेलिया के प्रकृति वैज्ञानिक डेविड स्टीव के अनुसार उनके साथ काम कर रहे मछुआरों ने ब्रोटन आइलैंड के पास करीब 35 मीटर लंबी शार्क मछली देखने का दावा किया, जिसके डर से मछुआरों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात सबको हैरान कर देने वाली थी कि क्या वाकई इतनी बड़ी कोई शार्क हो सकती है, और इस घटना को भी मेगालोडॉन शार्क के आज भी जीवित होने के दावों से जोड़कर देखा जाने लगा। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में भी इस विशाल शार्क होने के दावे किए गए। इन दावों में कहा गया कि यहां करीब 45 फीट लंबी शार्क मौजूद है और इसी के चलते 2009 में भी हुई हिस्ट्री चैनल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यहां इस शार्क को खोजने की कोशिश की। हालांकि इन्हें भी इसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन हिस्ट्री चैनल ने ये जरूर माना कि यहां ये विशालकाय शार्क मौजूद हो सकती है। 2012 में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मछुआरों ने भी 30 सेकंड 40 फीट लंबी शार्क देखे जाने के दावे किए थे, लेकिन मेगालोडॉन शार्क के आज भी जीवित होने के ज्यादातर दावों को झुठलाया गया है और पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं जिनसे ये कहा जाए कि ये दैत्याकार मेगालोडॉन शार्क आज भी मौजूद है। लेकिन इसे पूरी तरह झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि कई खोज में ये पाया गया है जब विलुप्त माने जाने वाले कई जीव आज भी जीवित पाए गए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।
ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। That's how legends are made.